फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा लस्सी बनाने का तरीका बता रही हूँ। एलोवेरा, जैसे आपको पता है, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं और ये घर में आसानी से लग भी जाता है और बहुत अच्छे से फैलता है। मैंने इसको पहले इसके पीसेस कुछ काटे मैंने और उसको फिर अच्छे से वॉश करा। वॉश करने के बाद मैंने उसको एक पीलर की सहायता से उसको पील करा और फिर उसके बाद मैंने उसका गुद्दा निकाला। ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना मैंने प्लम इसका निकाल दिया उसमें से। और फिर उसके बाद मैंने उसको एक जार में डाला और ब्लेंड करा। ब्लेंड करने के बाद 2 टेबलस्पून दही डाला। दही डालने के बाद मैंने इसको फिर से दोबारा से ब्लेंड करा। फ्रेंड, इसमें डालने के लिए मैंने एक जीरा पाउडर है उसको गरम करके भून के उसको पीसा है, फिर काला नमक, उसके बाद ये मैंने पुदीना सुखाया था, ये उसका पाउडर बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद लास्ट में काली मिर्च। ये सब इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे और फिर ये सब इसमें डाल के दही में पानी मिला के और ये सब के फिर मैंने इसको एक बार से दोबारा से ब्लेंड करा। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से घूम रहा है और बस इतनी जल्दी देखो ये आपकी लस्सी रेडी हो गई है। आप इसको खाली पेट पिए सुबह या जब भी पिए, ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। होपफुली आपको पसंद आएगी। थैंक यू।